ये 20 तारीख दुर्गा पूजा पे दो फिल्म एक साथ रिलीज हो रही, खेसारी जी की संघर्ष 2, पवन जी की हर हर गंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी, दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी है और दोनों कलाकार बहुत अच्छे हैं और भोजपुरी दर्शक का जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि दो नहीं अगर चार फिल्में भी रिलीज होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म देखने के लिए हमारे पास दर्शकों की कमी नहीं है, हाँ अच्छी फिल्मों की कमी है। तो अच्छी फिल्म, दोनों ही अच्छी फिल्म है और दोनों ही चलेगी, दोनों ही लोगों को पसंद आएगी, ये मैं कह सकता हूँ। दर्शकों से क्या कहना चाहिए, भोजपुरी सिनेमा में बदलाव हुआ है, पारिवारिक सिनेमा बनना शुरू हुआ है? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आप ही लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, भोजपुरी के प्रति आपका प्यार है कि भोजपुरी सिनेमा तमाम परिस्थितियों से जूझता हुआ, तमाम विकट परिस्थितियों से निकल के भी और लगातार आगे बढ़ रहा है और ये आगे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा के प्रति जो भोजपुरी दर्शकों का प्रेम है वो कमाल है और इसलिए भोजपुरी सिनेमा को सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग भोजपुरी जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, वो देख पा रहे हैं। आजकल तो ऐप का भी ज़माना आ गया है तो जो फिल्में आप थिएटर में नहीं देख पाते वो ऐप पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं। तो आप ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए, हम लोग अच्छी अच्छी फिल्म बना रहे हैं और लगातार आपका ऐसे ही मनोरंजन करते रहेंगे, अच्छी फिल्म बनाते रहेंगे। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम लोग एक अच्छा नींव खड़ा कर दें ताकि आने वाले समय में भोजपुरी सिनेमा और भव्य दिव्य बन सके। और जितने अच्छे अभिनेता हैं उतने अच्छे इंसान हैं और इनके साथ काम करके हमेशा ही मज़ा आता है और हम लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि हमारा पूरा परिवार साथ में काम कर रहा है, तो हम लोग परिवार की तरह ही काम करते हैं और आनंद लेते हैं, आनंद करते करते फिल्म अच्छी बन जाती है। प्रेम भैया क्या कहना, जैसे भैया जो है शूटिंग कर रहे हैं, जन सुनवाई भी कर रहे हैं। मैं आया था यहाँ एक फिल्म करने, तब देखा था भैया का मेहनत देख के मैं बहुत मतलब ये हो गया कि एक तो हम लोग शूटिंग करके इरिटेट हुए रहते हैं, ये होता है कि भागो जल्दी होटल, लेकिन देखता हूँ भैया शूटिंग करके खाली होंगे, फटाफट बाहर आएंगे, बाहर 50 नहीं हजारों की भीड़ हर जगह रहती है, पूरा देखते हैं, एक एक आदमी को फ़ोन करते हैं, मेंटेन करते, फिर सेट पे जाते, डायलॉग बोलते, फिर आते, फिर बैठे रहते दिन भर, मतलब 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यही स्थिति में मैं देखता हूँ। इतनी एनर्जी भैया कहाँ से लाते हैं हमको नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो धन्य हूँ देख के, मतलब कमाल की मेहनत करते हैं भैया। ये एनर्जी जनता की ही है, देखिए जब जनता आपको प्रेम करती है और आपसे उम्मीद रखती है और आपको कोई स्थान देती है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है। और मैं एक बात जानता हूँ, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ बोलते तनी हमों के कुछ जिम्मेदारी दे दा, तनी हमों के, तो खाली जिम्मेदारी लेबा की जिम्मेदारी निभाबा, मेन बात ये है कि जिम्मेदारी लेना बड़ी बात नहीं है, सुपरस्टार बन जाना बड़ी बात नहीं है, सुपरस्टार बन के फिर करोगे क्या वो बड़ी बात है, सांसद बन जाना बड़ी बात नहीं है, सांसद बनने के बाद करोगे क्या वो बड़ी बात है। तो एक तो या तो आप जिम्मेदारी लो मत, और अगर जिम्मेदारी ले रहे हो तो उसको निभाओ, और अगर उसको निभाने की क्षमता नहीं है तो छोड़ दो। तो हम लोग अपनी मर्जी से ये जिम्मेदारी लिए हैं कि हमको सिनेमा भी करना है, हम कर रहे हैं, जनता की सेवा करना है तो वो हम कर रहे हैं। और हमको तो इतनी खुशी होती है कि आजमगढ़ के लोगों ने जो सम्मान दिया, मतलब राजनीति में हम लोग नए नए आए और इतना बड़ा नाम बना दिया, ये आजमगढ़ की जनता का एहसान है। और वो 12 घंटा या 24 घंटा हम उनके लिए यहाँ बैठे रहें, उनका काम करते रहें, तो भी हम उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे, तो आजमगढ़ की जनता के लिए लगे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि भारत को नंबर वन बनाएंगे, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्प लिया है कि यूपी को नंबर वन बनाएंगे, वैसे हमारा भी ये संकल्प है कि हम आजमगढ़ को नंबर वन बनाएंगे और इसको नंबर वन बना के ही दम लेंगे। जौले नंबर वन पोजीशन आजमगढ़ के मिली ना तौले निरहुआ यहाँ से मिली ना। थैंक यू सो मच।